पुरवाई कला अकादमी के संस्थापक फोटो जर्नलिस्ट डॉक्टर राजीव केतन के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्वांचल की परंपरागत लोक कलाएं विषयक संगोष्ठी व पुरवाई कला सम्मान समारोह का आयोजन विजय चौक स्थित एक होटल में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष सीता राम कश्यप सहित अन्य लोगों ने स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संस्था के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि सहित अन्य लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। पुरवाई कला अकादमी की सचिव ममता केतन ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम करके लोक कलाकारों को सामने लाएंगे तथा इस कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, इसके लिए पुरवाई कला अकादमी के सभी सदस्य लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इस अवसर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, पुरवाई कला अकादमी की संयोजक प्रेमनाथ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुरवाई कला अकादमी की सचिव ममता केतन ने कहा, सभी लोगों में वितरित करें जिन्हें इस प्रकाश की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष है, ये परिचय तो बहुत बड़ा है, संभवतः शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आप विराजमान हैं। हम पुरवाई कला अकादमी की ओर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में वक्ता के रूप में हमारे बीच में लोक कलाधर्मी संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत राष्ट्रीय राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक लोक कलाकार आदरणीय हरिप्रसाद सिंह जी मंच पर आसीन हैं। हम उनका भी स्वागत वंदन करते हैं। गोरखपुर की ओर से ये सम्मान, ये स्वागत होता है। बहुत सारे कलाकारों की रोजी रोटी का जरिया बन गया है ये मेरा पता। तो इसी समय जैसे ही आप उन्हें याद कर लीजिए, वो तुरंत आपके समक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद कि राजीव केतन के साथ ये सभी लोग जुड़े थे और आज उस प्रतिबद्धता को दिखा समाज के लिए लगातार लगे रहने वाले सभी अपनी तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। पूर्वांचल की परंपरागत लोक कलाएं और वर्चुअल रूप से राम शब्द जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपकी तालियां बजती है ताकि ये युवा दिन और भी उत्साहित हो और ढेर सारे कलाकार जो एक दूसरे को जोड़े रहती है, एक दूसरे का संबंध रखती है। जैसे युवा कलाकार मेरा एक रेडियो तक शौक है, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में विषय प्रवर्तन के लिए मुझे बुलाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की संगोष्ठी का विषय है पूर्वांचल की परंपरागत लोक कलाएं, और यही ये विषय रहा है जिसकी वजह से पुरवाई कला एकेडमी की स्थापना की गई, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसके सारे कार्यक्रम अभी तक होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। जैसा कि
डॉक्टर राजीव केतन जी का सपना था कि हमारी क्षेत्रीय कलाएं जो हैं वो इस तरह से हो जैसे बाकी प्रांतों की कलाएं होती हैं और वो उभर कर फलक पे आती हैं। लेकिन हमारी क्षेत्रीय कलाएं बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जो घरों में रहते सिमट गई हैं, तीज त्योहारों तक सिमट गई हैं, उन्हें बाहर लाना होगा और अपनी भावी पीढ़ी को बताना होगा कि उन्हें उनका संवर्धन किस प्रकार किया जाए और उन्हें किस तरह तक एक बड़े फलक तक किस प्रकार लाया जा सके। और वो निरंतर किसी क्षेत्र में प्रयास करते रहे और उनका मानना था कि ऐसे कलाकार जो कि इस क्षेत्र में मौलिक सृजन तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है क्योंकि वो किसी व्यावसायिक खोल में नहीं है तो अपने को सामने लाना नहीं चाहते हैं। तो उनका ये मानना था ऐसे कलाकारों को ढूंढना और उनको आगे लाना हमारा कार्य होना चाहिए और इस तरह की कला हम अपनी भावी पीढ़ियों को भी आगे उनको इस प्रकार की कला के बारे में बताएं और उसकी इस कला में जो अंतर्निहित उसकी मूल भावना है वो आगे आनी चाहिए क्योंकि लोक कला एक ऐसी कला है जिसमें लोक मंगल की भावना होती है और उस लोक मंगल की भावना को आगे आना चाहिए। और विभिन्न प्रांतों की कलाएं हैं जैसा कि हम जानते हैं पंजाब की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, ये सारी कलाएं भारत के सामने आती हैं लेकिन हमारे वहाँ की कला जैसे बहुत विस्तृत फलक पर नहीं आ पाती तो उस कला को आगे लाने के लिए उन्होंने कुरवाई ललित कला एकेडमी की स्थापना की और इस पर वो निरंतर कार्य करते रहे। मेरा नाम ममता श्रीवास्तव केतन है, मैं पुरवाई कला अकादमी की सचिव पद पर हूँ। आज राजीव केतन जी को देखिए सम्मानित भी किया है, अब आगे किस तरह से हम करेंगे? आगे हम भविष्य में यही करेंगे कि इसी तरह के आयोजन हों और इन तरह के आयोजन में हम उन कलाकारों को जो लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं, लोक कलाकार खास तौर से, उनको सामने लाएं और इस कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। सबसे बड़ा कार्य ये है, इस दिशा में हम लोग निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे।